नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 11 और हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी में हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वितान, तो उसका जो दूसरा अध्याय है राजस्थान की रजत बूंदे, तो हम उसका अध्ययन कर रहे हैं जो कि अनूप मिश्र द्वारा लिखा गया है। तो कल हमने भाग्य के अंतर्गत पढ़ा था कि किस प्रकार से जो चेजारा है यानी कि जो कुआं बनाने वाला है, किस प्रकार से जो कुई खोदी जाती है और किस प्रकार से पानी का संरक्षण किया जाता है और मीठा पानी जो है अमृत जैसा जल है वो प्राप्त होता है। और हमने पढ़ा था कि अमृत को पाने के लिए जो मरुभूमि समाज यानी कि अमृत यानी कि जो अमृत के समान जल है ना, उसको पाने के लिए जो मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया था और अपने अनुभव को व्यवहार में उतारने का एक पूरा शास्त्र विकसित किया था। और शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध जो पानी है ना, तो उसको तीन रूप में रूपों के अंदर बांटा है। अब वो तीन रूप कौन से हैं, तो आज हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इनके द्वारा बताया गया जो समाज के लिए पानी की उपलब्धता के जो तीन रूप हैं कौन कौन से हैं, तो पहला रूप है पार्लर पानी। अब पार्लर पानी क्या होता है? अब पार्लर पानी उसे कहते हैं यानी कि सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। अब जो बरसात हो रही है और उस पानी को संग्रहण कर लिया तो वह पार्लर पानी कहलाता है। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी तालाब आदि में रोका जाता है। अब देखिए, धरातल पर बहता है सीधा बारिश का पानी, इसको नदी में तालाब में आदि में रोक सकते हैं अपने, है ना। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है। अब देखिए, आदि शब्द जो है ना, अब नदी तालाब आदि, अब आदि में कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे अपनी ये बरसात का पानी जो कुई है तो उसमें भी संग्रहण किया जा सकता है, जो कुंड है उसमें भी संग्रहण किया जाता है, तो इस प्रकार से अलग अलग हैं इसमें। तो यहाँ आदि शब्द में बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। अब पानी का जो दूसरा रूप है वो पाताल पानी कहलाता है। अब पाताल पानी क्या है? यह वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है, क्योंकि पाताल में से निकाल रहे हैं तो पाताल पानी कहेंगे इसको। पहला कौन सा था इसमें? पार्लर पानी। और दूसरा है पाताल पानी। पार्लर पानी बरसात का पानी और जो पाताल पानी है वो कुओं का पानी है, ठीक है। फिर जो तीसरा रूप है पार्लर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी। अब ये रेजानी पानी कौन सा आ गया? अब पाताल पानी भी हमने समझ लिया है ना, पार्लर पानी भी समझ लिया है कि कौन सा होता है। अब ये नया नाम क्या आ गया है, ये रेजाना पानी। अब देखिए, रेजाना पानी क्या है कि धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में नहीं मिल पाया, पानी रेजानी पानी रेजानी है। अब यानी कि धरातल से तो वो नीचे चला गया है लेकिन पाताल में वो नहीं पहुँच पाया है। अब हमने पढ़ा था ना उसमें कि जो चट्टानें हैं खड़िया, जो चट्टानें हैं खड़िया की जो चट्टानें हैं जिनके कारण से जो धरातल का पानी जो है नीचे तो आ जाता है लेकिन पाताल में नहीं समा पाता, और कुइयों के माध्यम से वो सिमटा हुआ है वहाँ एकत्रित हो जाता है और उसको जो रेगिस्तान के जो मरुभूमि के लोग हैं वे उपयोग में लेते हैं और ये अमृत के समान होता है। तो वही भाव जो इसमें बता रहे हैं लेखक कि धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजानी है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है। और देखिए, जो वर्षा का पानी है ना, वर्षा की मात्रा नापने के लिए किसी प्रकार का इंच या सेंटीमीटर का प्रयोग नहीं करते बल्कि वहाँ पे रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। अब रेजा का जो माप है वो धरातल पर जो बारिश हुई है उसको नहीं मापता बल्कि जो धरातल में समाई हुई जो वर्षा है उसकी नमी कितनी है तो उसको वो नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। अब देखिए, रेजो के हिसाब से सेंटीमीटर के हिसाब से नहीं नापा जाता था मरुभूमि में, रेजो के हिसाब से नापा गया है। रेजा जो शब्द है उसके द्वारा मापा गया है कि धरातल में कितना वो समा पाया है, अब उसमें कितनी उंगली तक वो पानी समा पाया है, 3 उंगली या 5 उंगली। तो जैसे 5 उंगली भीतर तक समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 उंगुल रेजो कहेंगे।
रेजानी पानी खड़िया मिट्टी के पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। अब ये रेजानी पानी जो है ना पाताली पानी से अलग बना रहता है क्योंकि खड़िया मिट्टी यानी खड़िया जो पट्टी है वो बिछी हुई है, तो जिसके कारण से ये पाताल में नहीं समा पाता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। अब ऐसी पट्टी के अभाव में, अगर ये पट्टी नहीं है, खड़िया पट्टी नहीं है, अब रेजानी पानी तो है लेकिन वो धीरे धीरे वो अपना स्वरूप खो देता है क्योंकि वह पाताल के जल में मिल जाता है तो पाताली पानी बन जाता है वो। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। अब देखिए खारा कैसे हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर खड़िया पट्टी नहीं है, खड़िया जो है ना पत्थर या मिट्टी जो है उसकी परत नहीं है वहाँ पर, जिसके कारण से वो जो जल है भूजल जो है उसके अंदर समा जाता है, तो रेजानी पानी में मिलकर वो जो खारा हो जाता है, रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। अब देखिए लेखक कहता है कि इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली, कि ये जो रेजानी पानी है जो धरातल के नीचे है और पाताल से ऊपर जो पानी है इसको समेट कैसे समेटा जा सकता है, तो ये जो है कुई बनाने वाला जो है, कुई बनाना एक समुचित सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30-60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। अब देखिए 4-5 हाथ व्यास की होती है, वो ज़्यादा नहीं होती जो कुई है, कुआँ तो काफ़ी विस्तृत रहता है लेकिन जो कुई है वो छोटा रूप है उसका। स्त्रीलिंग अपने पहले ही पढ़ा था भाग एक के अंतर्गत, कि जो कुई को 30-60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाला जो चेजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापती है। चेजो यानी कि चिनाई का सर्वश्रेष्ठ काम कुई का प्रमाण है। अब जो चेज है ना यानी कि जो चिनाई है उसका जो सर्वश्रेष्ठ काम वो कुई का प्रमाण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। अब देखिए इसमें अगर थोड़ी सी चूक हो गई ना तो जो चेजारा यानी कि जो चिन रहा है नीचे कुई को बना रहा है, चिनाई कर रहा है उसकी, तो उसके प्राण तक ले सकती है क्योंकि वो ढह जाती है कई बार। अब कई बार अपने अखबार में या न्यूज़ में, अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं ना अपने टीवी में कि वहाँ कुआं धस गया, तो किस कारण से होता है वहाँ पे, कि किसी न किसी प्रकार से कोई चूक रह जाती है जो कि जो चेजारे हैं जो मिस्त्री हैं उनके प्राण तक ले लेती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है। अब देखिए ऐसे नहीं कि एकदम से खुदाई कर दी, बल्कि थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है रोज़ाना ही, और जो डोल है यानी डोलू जिसको अपने कहते हैं तो उससे मलबा निकाला जाता है। मलबा मतलब मिट्टी जो है वो निकाली जाती है जो खोदी गई है, और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक को हो चुके काम की चिनाई की जाती है। अब देखिए जितना उसमें काम हो चुका है तो उसकी पहले चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी भसके या धसे नहीं, भसके मतलब खिसके नहीं और धसे भी नहीं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। अब जैसे जैसे 20-25 हाथ नीचे जाते हैं ना, तो वैसे वैसे जो धरातल की गर्मी वो बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। वैसे तब ऊपर से मुट्ठी भर भर रेत नीचे तेज़ी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है। अब देखिए ये कल हमने भाग एक अंतर्गत भी पढ़ा था कि जो चेजारे हैं वो अपने सिर के ऊपर किसी धातु का जो पतीला टोपी वगैरह रखते हैं, पीतल का, कांसे का ना, स्टील का, लोहे का भी हो सकता है, कि जिससे उनके सिर की रक्षा हो सके, और ऊपर जो खड़े व्यक्ति हैं जो मिट्टी खींचने वाला है डोल से, तो ऊपर से मुट्ठी भर भर के रेत थोड़ा नीचे फेंकता है जिससे कि उसके अंदर जो है हवा की नमी बनी रही। तो इसमें अभी ये बता रहे हैं कि नीचे तेज़ी से फेंकी जाती है मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों पर तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुई की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेल बांझी को राहत दे जाती है। तो देखिए मुट्ठी भर जो मिट्टी है ना, तो वह भी उस हवा को उड़ा देती है, और जो पसीने से नहा रहा चेलवांझी है, चेलवांझी यानी कि जो चिनाई करने वाला है, चिनाई करता जो है, मिस्त्री जो है, तो उसको राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुई बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। और देखिए लेखक कहते हैं कि ये कोई सरल काम नहीं है कुई खोदना, तो ये काफ़ी जटिल हो जाता है काम और अधिक कठिन हो जाता है कई स्थानों पर।
अब किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता। अब देखिए कहीं कहीं जो है ना कि ईंट की चिनाई अगर की जाती है तो मिट्टी को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि बालू रेत ज़्यादा है तो रोकेंगे कैसे उसको। तब कुई को रस्से से बांधा जाता है। अब जो कुई है ना उसको रस्से से बांधा जाता है। पहले तो नहीं कुई खोदने के साथ साथ खींप, अब खींप यानी कि एक प्रकार की जो घास है जिसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है, तो खींप नाम की जो घास है उसका ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारों खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खींप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ खुद जाती है इससे। अब ये ना कुई पर सजगता का पहरा भी रहता है। अब ये जैसे अपने देख रहे हैं यहाँ पे एक लकड़ी है और लकड़ियों के बाद में ये ढक्कन सा लगा रखा है लकड़ियों को बना के, तो ये कुई पर सजगता का पहरा है कि यहाँ पे कुई है कि कोई उसके अंदर गिर नहीं जाए। हालांकि अगर गिर जाए तो उसमें से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब लेखक बता रहा था कि जो कई जगह पे कुई खोदना काफ़ी कठिन हो जाता है, तो वहाँ पे जो खींप है, अब खींप हमने पढ़ा ही है कि क्या है कि एक प्रकार की घास है जिसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है, तो उस घास को जमा कर लेते हैं, ढेर सारा जमा कर लेते हैं। बाद में जब चेजारा खुदाई करते हैं ना तो लोग जो है खींप की घास से 3 अंगुल जो मोटी रस्सी बांटते हैं, और पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ तक गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटा कर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है। अब देखिए एक तल पर जो है ना दीवार के साथ सटा के एक रस्से का गोला जो बिछाया जाता है। अब गोल घेरा जो बना दिया जाता है कि जिससे कि वो मिट्टी धंसे नहीं, फिर उसके ऊपर दूसरा तीसरा चौथा इस प्रकार ऊपर आते जाते हैं। खींप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बंटी हुई जो लड़ियां हैं एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठ जाती हैं। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अब देखिए रस्से का जो आखिरी छोर है ऊपर रहता है। अब देखिए किस प्रकार से एक कला है कि रेत वो धसे भी नहीं, बालू रेत है वो धसेगी ये तो निश्चित है ही, लेकिन उसके लिए जो खींप घास है ना उसका एक खुरदरा मोटा रस्सा बनाया जाता है और प्रत्येक घेरे में तो उसको डाल दिया जाता है जिससे कि वो रेत को खिसकने नहीं दे, वजन डालता रहे, और एक के बाद एक जो लड़ी है वो मजबूती से उसके ऊपर बैठती जाती है और रस्से का जो आखिरी छोर है वो ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोद दी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। अब ये देखिए धीरे धीरे वो सरकाई जा रही है, उसमें ऊपरी छुटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते हैं। अब देखिए रस्सा जो ढीला नहीं पड़ जाए तो इसके लिए बीच बीच में वो चिनाई भी करते जाते हैं जो चेजा रहे हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। अब देखिए 5 हाथ के व्यास की जो कुई है और एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। एक हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं। अब देखिए एक हाथ की गहराई है ना तो उसके अंदर जो रस्सा है जो खींप घास का रस्सा है उसके 8-10 जो लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब देखिए खोदा कितना है, 1.5 हाथ खोदा है, लेकिन जो रस्सा बनाया गया है खींप का तो उसकी जो लंबाई है वो लगभग जो है 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहराई कुएं की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ कई जो कुई है खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। देखिए रस्से को उसके अंदर घुमाया जा रहा है, डाला जा रहा है, तो जो नया व्यक्ति ना वो सोचते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि रस्सा ही बन रहा है ना, तो उनको पता ही नहीं कि यहाँ पे कुई खुद रही है। कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है न खींप ही। अब देखिए कई जगह ऐसी विकट परिस्थिति आ जाती है कि जहाँ पर ना ही तो ज़्यादा पत्थर मिलते हैं और ना ही खींप ही यानी कि जो घास थी वो मिलती है, तो फिर क्या किया जाए, किस प्रकार से जो रेजानी पानी है उसकी व्यवस्था हो सके, तो उसके लिए देखिए लेखक क्या बता रहे हैं आगे देखिए कि लेकिन रेजानी पानी है तो
वहाँ भी कुइयाँ ज़रूर बनती हैं। अब जहाँ रेजानी पानी है ना, जो अगर धरातल में पानी अगर आ रहा है तो वहाँ पे कुइयाँ ज़रूर बनती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लठों से की जाती हैं। अब देखिए, पत्थर नहीं है तो खींप से, खींप नहीं है, खींप और पत्थर दोनों ही नहीं है तो फिर लकड़ी के जो लंबे लट्ठे हैं ना, उनसे की जाती है। लट्ठे, अरनी, बण यानी केर, बावल या कुंभट के पेड़ों की डंगालों से बनाई जाती है। अब ये डगालों क्या होते हैं? तना या मोटी टहनियाँ को डगालों कहते हैं। अब ये लट्ठे ना, अरनी, ये सब वृक्षों के नाम हैं। अरनी हो गया, बण यानी कि केर हो गया, बावल या कुंभट हो गया, तो इनके पेड़ों से के जो तने हैं या जो इनकी टहनियाँ हैं ना मोटी मोटी, तो उनसे बनाई जाती हैं ये। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरनी की ही है। अब उम्दा मतलब अच्छी किस्म की, तो लकड़ी जो अरनी की ही मानी जाती है। पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी नहीं मिल पाए तो आग तक से भी काम लिया जाता है। अब देखिए, इसमें पहले तो अरनी, बण यानी जिसको अपने केर कहते हैं, बावल या कुंभट, अगर ये अगर नहीं मिलती है लकड़ी, तो फिर आखिरी जो क्या होता है कि आपने देखा होगा रेगिस्तान के अंदर आग जो है वो ज़्यादा उगे रहते हैं, फिर जो चेजारा है उस आग की जो लकड़ी है उसको भी काम में ले लेते हैं। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसा कर सीधे खड़े किए जाते हैं, फिर इन्हें खींप की रस्सी से बांधा जाता है। अब ये बता रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा ना कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनती हैं, जो अट्टालिकाएँ बनती हैं, तो उन पे चढ़ने के लिए जो रस्सी वगैरह बांध कर, जिसको अपने पैड कहते हैं, वो बनाई जाती हैं। तो उसी प्रकार से ही इसके अंदर भी नीचे लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसा कर सीधे खड़े किए जाते हैं और खींप, और फिर इन्हें खींप की रस्सी से बांधा जाता है, और फिर कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है। अब कुंडली का आकार मतलब कि एक के बाद में एक घेरा बनता रहता है, इसलिए इसे सांपनी भी कहते हैं। अब देखिए, जो चक की रस्सी से काम लिया जाता है और यह बंधाई भी कुंडली का कर लेती है, और इसे सांपनी कहते हैं क्योंकि सांप के समान रहती है, तो सांपनी रूप दे दिया, इसका नाम दे दिया है। तो जैसे ये देखिए, इसमें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ये खींप की जो रस्सी है वो बनाई गई है और उसमें डाली गई है। नए लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ कोई खुद रही है। और देखिए किस प्रकार से इसमें ना रस्से खींप की जो रस्सी है, जो रेसेदार घास है उसकी रस्सी बनाई गई है, और कैसे ये देखिए किस प्रकार से इसमें डाल रहे हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा जो गोल घेरा सा बन रहा है ना, तो इसको कुंडली कहते हैं। अब कुंडली जो है वो सांप सर्पणी के समान लग रही है कि जैसे एक सर्पणी जो है कुंडली बना के बैठ जाती है। तो नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलमांझी को मिट्टी की खूब परख रहती है। अब जो चेलमांझी है ना, चेलमांझी जो चिनाई मिस्त्री है, जो कुई खोदने वाला है, तो उसको मिट्टी की खूब परख होती है कि कौन सी मिट्टी आएगी तो फिर पानी आएगा, है ना, या कौन सी मिट्टी आने के बाद में क्या होगा, तो वो सब जानकारी उनको होती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। अब देखिए, खड़िया पत्थर आती, अब मान लीजिए कोई और पत्थर की पट्टी आ गई और काम रोक दिया और उसने वो सारा पानी सोख लिया, तो फिर वो कुई खोदने का कोई अर्थ ही नहीं रहा। तो इसलिए मिट्टी की इनको खूब परख होती है, और जब खड़िया पत्थर की पट्टी आती है तो सारा काम रुक जाता है, क्योंकि उसके बाद में वो पाताल में पहुंचने वाला होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा नहीं खोदता। फिर इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चेजारों ऊपर आ जाते हैं। अब इस क्षण नीचे धार लग जाती है, धार मतलब कि नीचे जो है वो चिनाई कर देता है और उसके बाद में वो चेजारों जो है ऊपर आ जाता है। कुई की सफलता यानी कि सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। अब कुई सफलतापूर्वक बन गई है और उसमें जल भी आ गया है तो उत्सव का अवसर बन जाती है। यूँ तो पहले दिन से काम करने वाले का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता है। और देखिए, अपने यहाँ परंपरा रही है कि जो अपने घर बनवाते हैं तो उसको बधाई रूप में कुछ ना कुछ देते हैं, है ना, उसका विशेष ध्यान रखा जाता है, खाने पीने का, हर एक चीज़ का। आजकल तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल तो ये व्यवसाय बन गया, पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर कोई, मान लीजिए कोई नया निर्माण करवा रहा है, तो जो चिनने वाला है ना, चिनाई जो मिस्त्री है, तो उसकी हर प्रकार से खातिरदारी की जाती थी, जैसे कि वह कोई मेहमान हो
तो देखिए पहले दिन से काम करने वाला जो है, पहले दिन से विशेष ध्यान रखा जाता है काम करने वाला को जो कि कुई खोदने वाला है। पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता है। चेलवांझी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है। अब चेलवांझी यानी कि जो कुई खोदने वाला है तो उसको तरह तरह की भेंट दी जाती है जो सामर्थ्य के अनुसार होते हैं। चेजारों के साथ गाँव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। अब देखिए चेजारे जो है ना, जो चिन्हने वाले हैं, जो चिनाई मिस्त्री है, तो उनका संबंध गांव से उसी दिन नहीं टूट जाता था कि उन्होंने कुई बना दी और उसके बाद में उससे कोई लेना देना नहीं है, है ना। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के तीज त्यौहारों में, अब देखिए आज प्रथा कौन सी है ये, कि इस प्रथा के अंतर्गत कुई खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित किया जाता है। और वर्ष भर सम्मानित किया जाता था तो आज प्रथा उसे कहते हैं कि जो कुई खोदने वाले हैं, जो चेजारे हैं, उनको वर्ष भर सम्मानित किया जाता है। तो इसमें बता भी रखा है कि वर्ष भर के तीज त्यौहारों में विवाह जैसे जो मंगल कार्य हैं ना वो किए जाते हैं। तो इसमें इस अवसरों पर नेग भेंट दी जाती है और फसल आने पर खलिहान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। अब अवसरों पर नेग मतलब कि कुछ उपहार देना भेंट दी जाती थी, और फसल आने पर नई फसल अगर आती थी ना तो खलिहान में खेत में उनके नाम से अनाज का एक अलग से ढेर निकाल दिया जाता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। अब देखिए आज के समय में क्या है कि सिर्फ मजदूरी देकर ही वो काम करवा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले हर प्रकार से उसका ध्यान रखा जाता था। जो कुई खोदने वाला है, जो मिस्त्री है ना, समय समय पर उनको सम्मानित किया जाता था और समय समय पर उनको नेक भेंट उपहार आदि दिए जाते थे। और जब फसल आती थी तो उसका एक हिस्सा जो है अलग से निकाल दिया जाता था और वे उसे दिया जाता था। लेकिन आजकल क्या है कि मजदूरी देकर ही काम करवा लिया जाता है, और उसका मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है, पहले ऐसे नहीं था। तो देखिए इसमें यहाँ पर जो एक चित्र दिया गया है कि कुई के निर्माण में लट्ठे का प्रयोग। अब जो कुई के निर्माण में लट्ठे का प्रयोग, देखिए कैसे ये चार पांच हाथ की खोदी हुई है और नीचे गहराई जो है जितनी है तो उसके हिसाब से ना ये लकड़ी के जो लट्ठे हैं वो डाल दिए गए हैं, जिससे कि मिट्टी सरके नहीं इधर उधर, है ना। उसके बाद में बीच बीच में जो है वो चिनाई भी करते रहते हैं, हमने पहले पढ़ा भी था, क्योंकि अगर बीच बीच में चिनाई नहीं करेंगे तो ये लट्ठे गिर भी सकते हैं, इधर उधर हिल सकते हैं। तो ये पढ़ा है हमने कि किस प्रकार से जो चेजारे हैं उनको सम्मानित किया जाता था, और आगे के भाग में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो चेजारे हैं उनका आज के परिवेश में कैसा जीवन हो गया है, किस प्रकार से और किन लोगों ने ये जो कुई प्रथा है यानी कुई बनाना ये जो है प्रारंभ किया था, और किस प्रकार से इसने जो राजस्थान की मरुभूमि है तो उसके लोगों के लिए जल की व्यवस्था करने का जो प्रबंध है वो किया था। तो ये पढ़ेंगे हम भाग 3 के अंतर्गत। तो आज भाग 2 में इतना ही कि किस प्रकार से जो कुइयाँ हैं खोदी जाती हैं, किस प्रकार से जो मिट्टी धंसने वाली है जहाँ कुई खोदना संभव नहीं है वहाँ भी जो चेजारे हैं असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाते हैं। कहीं वे खींप की रस्सी से का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं लकड़ी के गट्ठों का प्रयोग, लट्ठों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से वे जो है कुई के निर्माण को पूर्ण करते हैं, और कुई का निर्माण पूर्ण होने के बाद में जो गांव के लोग हैं वे उनका उचित सम्मान भी करते हैं, और साथ ही साथ जब कोई ना कोई त्यौहार होता है या कोई ऐसा अवसर होता है जब गांव के अंदर खुशी का माहौल रहता है तो ऐसे अवसरों पर भी उनको नेक भेंट आदि दिया जाता है। और जब फसल आती है, नई फसल आती है खेतों में, तो उनके लिए फसल का एक जो हिस्सा है वो भी रखा जाता है। तो इस प्रकार से हर प्रकार से जो चेजारे हैं उनको सम्मानित किया जाता था। तो भाग 3 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो सामान्य स्थितियाँ हैं वे बनी रहती हैं, और किस प्रकार से जो बदलता हुआ जो उनका सामान्य गृहस्थ जीवन है उसमें किस प्रकार से वे कुशल बन जाते हैं चेजारे जो हैं, तो इनका अध्ययन हम करेंगे कल। तो इसी के साथ ही आज के लिए
इतना ही, धन्यवाद।